नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा, सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे। अयोध्या पर्व की दिल्ली में आज से शुरुआत हो रही है। शुक्रवार को टल गया था सीएम धामी का दिल्ली दौरा, तो शुक्रवार को दिल्ली दौरा टल गया था, लेकिन आज वो दिल्ली आ जाएंगे और जो पर्व मनाया जा रहा है अयोध्या पर्व की शुरुआत आज से दिल्ली में हो रही है, इसमें शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। शुक्रवार को टल गया था धामी का दिल्ली दौरा, लेकिन आज वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। दिल्ली में आयोजित अयोध्या पर्व में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। अयोध्या पर्व की दिल्ली में शुरुआत आज से हो रही है। पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं आज से, और आज वो अयोध्या पर्व में शामिल भी होंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को ही आने वाले थे, लेकिन वो आज आ रहे हैं अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महिमा और धार्मिक महत्व को रेखांकित करने के मकसद से 2019 में इस पर्व की शुरुआत की गई थी। इस बार ये आयोजन दिल्ली के राजघाट पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी अयोध्या पर्व पर आएंगे, अयोध्या पर्व देखने आएंगे। बहुत ही खूबसूरती से अयोध्या पर्व को मनाया जाता है, जिसे देखने पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। राम और अयोध्या भारत की आत्मा है। अगर किसी को भारत को समझना है तो उसे राम और अयोध्या को जानना ही होगा। अयोध्या, राम और भारत तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। किसी एक को हटाकर शेष को समझने का प्रयास करना नासमझी है, और इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। अयोध्या का नाम आते ही एक बड़े वर्ग के मन में राम मंदिर और उससे जुड़ा सब कुछ याद आता है, और ऐसे में अयोध्या पर्व को देखने के लिए पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, और आज से ही अयोध्या पर्व की शुरुआत है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है अयोध्या पर्व को लेकर? आज इस पर्व के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल ही दिल्ली दौरा था, लेकिन किसी कारणवश कल ही दौरा रद्द किया गया है। आज चूंकि अयोध्या पर्व मनाया जाना है और दिल्ली में 3 दिनों तक अयोध्या पर्व मनाया जाएगा। सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे, इसके अलावा चंपत राय मौजूद रहेंगे। और पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो करीब 1 बजे के आसपास उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, इसके बाद 4 बजे वो अयोध्या पर्व में शामिल होंगे। चूंकि अयोध्या पर्व मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस अयोध्या पर्व में जो सतीश शर्मा है, राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी शामिल होंगे, और सीता रसोई का उद्घाटन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन इसमें किया जाना है। तो पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, संभव है कि वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, अयोध्या पर्व में जो अयोध्या की संस्कृति है, जो अयोध्या की खूबसूरती है, उसको दिखाया जाता है। और पीयूष, कहीं ना कहीं जो ये अयोध्या पर्व है वो जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट की है। सभी ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक स्तर की समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर होना चाहिए। जनता को अपनी अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान न होना पड़े और उन्हें अनावश्यक देहरादून न आना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से जो भी वायदे किए हैं और राज्य के विकास के लिए जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कुछ आदेश जारी किए गए हैं, उन आदेशों को सबसे पहले तो विस्तार से बताएं। देखिए, कल यूं तो मुख्यमंत्री को दोपहर बाद दिल्ली जाना था, पर दिल्ली जाने का कार्यक्रम उनका जब निरस्त हुआ तो इसके बाद उनको पता चला कि कुछ लोग मिलने आए हुए हैं और कुछ लोगों से मुलाकात और उनकी समस्याओं का निस्तारण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत जनता देवक जो लोक सेवक सदन है उसमें लोगों को बुलाते हुए सबकी समस्याएं सुनी और अफसर भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि यदि कोई सीएम के पास आ रहा है तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि वो अपने ब्लॉक से जिले से निकलकर पहाड़ से दूरस्थ इलाकों से आखिर वो यहाँ क्यों आ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने विशेष बल दिया है और मुख्यमंत्री अब इस तैयारी में भी है कि यदि कोई समस्या रिपीट आती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अफसर जिम्मेदार होगा कि आखिर किसी व्यक्ति को दो बार या तीन बार मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों आना पड़ा, मुख्यमंत्री आवास क्यों आना पड़ा। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो केंद्र के मोदी सरकार ने साल 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है उसी दिशा में THDC इंडिया लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी के बाद अब राजस्थान सरकार के सहयोग से कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है, जिसके लिए कंपनी ने 10,000 मेगावाट क्षमता के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ करार किया है। अब पार्क विकसित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया जाएगा जिसके जरिए पार्क को डेवलप करने की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पार्क बनने में राजस्थान में करीब 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। जी विष्णु हूँ और मैं TSDC का अध्यक्ष हम प्रबंध निदेशक हूँ और आज TSDC के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब TSDC का जन्म हुआ था 34 साल पहले हमने जब टिहरी परियोजना बनाने के लिए TSDC बनाई थी उसके बाद वो एक बहुत बड़ी परियोजना हमने बनाकर उसको संचालित किया और आज उस चीज़ को संचालित करते हुए हमारे पास 16-17 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने छोटी छोटी कई परियोजनाएँ बनाई लेकिन अब ये 10,000 मेगावाट का जो हमने अपने लक्ष्य अपने साथ लिया है और राजस्थान सरकार को हमने इसमें अपना हिस्सेदार बनाया है ये बहुत ही बहुत बड़ा अवसर है TSDC की यात्रा में और एक हमारी ग्रोथ जर्नी है इसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मैं राजीव विष्णु हूँ और मैं की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और TSDC के साथ हमने जो UMREPP योजना के तहत 10,000 मेगावाट का ये MOU साइन किया है ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। देश में इतनी बड़ी सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी का MOU ये पहला MOU है। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से बहुत सारे लाभ हैं, वहाँ सौर ऊर्जा का जो औसत इंसुलेशन है वो राज्य में पूरे देश में सबसे ज़्यादा। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के मिशन पर सरकार है। श्रमिकों की बेटी की शादी में मिलेगा 1,00,000 रुपए अनुदान, 55,000 से बढ़ाकर 1,00,000 अनुदान करने की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रदेश के 1 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा लाभ। एकल शादी में 1,00,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, सामूहिक विवाह में 1,17,000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जितने भी श्रमिक हैं कहीं ना कहीं उनको सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ मिलेगा और वो भी बहुत जल्द, इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से लेकर 2022 तक समाज कल्याण की तरफ से लगातार जो शादी है उसके लिए अभियान चलाए थे कि जो गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं या जो ऐसे परिवार हैं जो शादी का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई गई थी। और जो एकल विवाह होते हैं, मतलब जो अगर कोई अपना अलग विवाह कार्यक्रम कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ऐसे परिवारों को 55,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिए जाते थे ताकि शादी के लिए जरूरी सामान वो इकट्ठा कर सकें। और जब सामूहिक विवाह होता था तो ऐसे विवाह कार्यक्रम के लिए 85,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते थे, जिसको अब उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाने जा रही है। सीधे पर उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं जो पंजीकृत हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। उनके परिवार में अगर किसी की शादी होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, अगर एकल शादी करते हैं तो 55,000 की जगह पे अब 1,00,000 मिलेगा। अगर सामूहिक विवाह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसमें वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जब आयोजित होता है अगर उसमें वो भाग लेते हैं तो 1,17,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, जिसमें शादी के खर्च से लेकर लड़की के कपड़े और बाकी चीजों का भी इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो निश्चित है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही शुरू की गई थी और उसमें जो धनराशि है उसको जस्ट डबल कर दिया गया है। सीधे तौर पर 55,000 की राशि को 1,00,000 कर दिया गया है और 85,000 रुपए की राशि को 1,17,000 कर दिया गया है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि ऐसे परिवार जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी दैनिक मजदूरी के जरिए वो अपनी जीवनचर्या बिताते हैं तो ऐसे परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन लाभ कितने लोगों को होगा इस योजना से? बिल्कुल, अगर हम लाभ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के करीब जो 1 करोड़ से ज्यादा जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके और उनके परिवारों को इस योजना का सीधे तौर पर लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी का पंजीकरण उत्तर प्रदेश सेवा पोर्टल पर कराया है। और ऐसे अगर श्रमिक कहीं भी इस चीज के लिए अनुदान करते हैं तो संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी के जरिए से वो इस अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीधे तौर पर जो शादी की तारीख होगी उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये अनुदान सीधे DBT के जरिए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी आप बने रहिए इसके वाजपेयी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। होमगार्ड के 20% पदों पर अब महिलाओं की भर्ती होगी। प्रदेश में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए खाली पदों पर भर्तियां होंगी। होमगार्ड की भर्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 साल से खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, जो खाली पद है अब उनको भरा जाएगा, लेकिन भरा इस बार महिलाओं को मौका दिया जाएगा। महिलाएं अब आगे हैं, महिलाओं की भागीदारी हर विभाग में देखी जा रही है, तो अब होमगार्ड्स के भी डिपार्टमेंट में महिलाओं की भर्ती होगी जो पद 4 साल से खाली चल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को और सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया था कि वो अपने विभाग की जो भी रिक्तियां हैं उनके डिटेल्स को मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। 20% ऐसे पद हैं जो कि होमगार्ड विभाग से आते हैं जो खाली चल रहे हैं, जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब महिलाओं की भर्ती की योजना अब बनाई जा रही है, जिसको लेकर होमगार्ड विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बाद 20% महिलाओं की भर्ती होमगार्ड के पदों पर होगी। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां लगातार ये वादे कर रही थी कि आने वाले 100 दिन में 10,000 और 5 साल में 2 करोड़ रोजगार जो देने की योजना है उसमें 20% पद होमगार्ड विभाग में महिलाओं से भरे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी वहीं 20,000 परिवारों को कहीं ना कहीं रोजगार योजना के जरिए लाभान्वित करने की भी कोशिश होगी, जो निश्चित ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है और एक कोशिश भी है कि लगातार ऐसे पदों को भरा जाए और सीधे तौर पर परिवार के व्यक्ति को जो नौकरी देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ा लाभ इस योजना के जरिए देने की कोशिश है। जी चलिए आप बने रहिए इसके वाजपेयी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। यूपीडा ने तैयार किया एक्सप्रेसवे के सुरक्षा का खाका। ATMS और अत्याधुनिक कैमरों से लैस होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक 350 किलोमीटर का सुरक्षा खाका तैयार किया गया है। वायरलेस सुरक्षा कम्युनिकेशन के जरिए सुरक्षाकर्मी फास्ट रिस्पांस देंगे। तेज स्पीड पर चलने वाले वाहनों का
ऑटोमेटिक चालान होगा। यूपीडा 5 अंकों का जारी करेगा टोल फ्री नंबर। किसी दुर्घटना या सुरक्षा के लिए 4.5 मिनट में पहुंच जाएगी सुरक्षा कर्मी के दल। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देशन में ये काम हो रहा है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। एसके वाजपेयी, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पेनी नजर रहेगी और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिसमें कि फिर ये शिकायत ना हो कि तकनीकी खराबी थी, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन, कैमरे से बकायदा नजर रखी जाएगी, यानी कि जबरदस्त इंतजाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक करीब 14 शहर जो कि पूर्वांचल से आते हैं उनको ये जोड़ता है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना है। हालांकि अब ये बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता को समर्पित कर दिया था। अब उसकी सुरक्षा को चाक चौबंद व्यवस्था करने जा रही है यूपीडा, जिसको लेकर सीईओ और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि सभी 340 किलोमीटर तक अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे जिनसे ट्रैफिक और साथ ही साथ आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा कर्मी ऐसे सिस्टम पर तैनात किए जाएंगे जिससे कि 4.5 मिनट में अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या किसी दुर्घटना होने पर अगर चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो 4.5 मिनट पर उनके पास सहायता पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो टेली कम्युनिकेशन के लिए जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक टोल फ्री नंबर होता था वो 10 से 14 डिजिट तक का होता था और लोगों को याद करने में परेशानी होती थी, उसको अब यूपीडा केवल 5 अंकों का जारी करेगा ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको याद कर सके, चिकित्सीय जरूरत हो या फिर अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी जरूरत की आवश्यकता हो या किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत पड़े तो उस पांच डिजिट के टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद 4.5 मिनट में उन तक जो संबंधित सुरक्षा कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी पहुंच सकेंगे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्वास्थ्य और साथ ही साथ में सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यह व्यवस्था 340 किलोमीटर तक की जा रही, जिसका काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है और अवनीश अवस्थी लगातार इस काम को खुद देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि तेजी के साथ इस काम को पूरा कर लिया जाए ताकि पूर्वांचल पर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की सुरक्षा और साथ ही साथ चिकित्सीय सेवाओं की पूर्ति की जा सके। जी चलिए ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, राजधानी में 155 कैमरों से निगरानी होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई चालान होगा। पहले चरण में 5 चौराहे पर ई चालान शुरू होगा, दूसरे चरण के लिए 20 चौराहे चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं अब पीडब्ल्यूडी में खत्म होगा एस्टिमेट का खेल। लोक निर्माण विभाग में एस्टिमेट को लेकर अब नहीं होगा कोई भी खेल, सभी एस्टिमेट अब देने होंगे ऑनलाइन। नया सॉफ्टवेयर रहा लोक निर्माण विभाग, नई व्यवस्था इसी महीने के अंत तक लागू हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के नए सॉफ्टवेयर का नाम होगा एस्टिमेटर। सॉफ्टवेयर के लिए 40 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, सॉफ्टवेयर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिसमें एस्टिमेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि अब इस पूरी व्यवस्था को देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई सड़क, कोई निर्माण या पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई ब्रिज या बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण होता था जिसकी लागत को पहले पता करना होता था, जिसके लिए जो ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं उनसे इसका पूरा एस्टिमेट बनवाया जाता था कि कितना लंबा होगा, कितनी दूरी होगी, कितना खर्च आएगा, कितने दिन का समय लगेगा और कितने लोगों को इसमें लगाना होगा, ये बहुत सारी चीजें तय होती थी, उसका एस्टीमेट बनता था और बनने के बाद उस एस्टीमेट पर धन आवंटित किया जाता था। लेकिन लगातार इस एस्टीमेट को लेकर कहीं ना कहीं खेल होता था जिसमें बड़े पैमाने पर जो ठेकेदार होते हैं और अधिकारियों की साठगांठ के बीच में सरकारी पैसे का बंदरबांट होता था। अब उस पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगान लगाने की तैयारी कर ली गई है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, जो भी एस्टीमेट एक बार तैयार हो जाएगा उसको बदला नहीं जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसको
पूरा ऑनलाइन डेटा दर्ज करना होगा कि आपने कितनी दूरी इसमें निर्धारित की है, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी, कितने लोग होंगे और किन किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, इन बहुत सारी चीजों को लेकर उस पर ये डिटेल्स दर्ज हो जाएंगी। और दर्ज होने के बाद जो एक समय सीमा तय होगी उसके अंदर संबंधित ठेकेदार को यह पूरा काम करना होगा। तो हम कहें कि एक तरीके से अब पीडब्ल्यूडी विभाग अपने कराए गए कार्यों की पूरी मॉनिटरिंग करेगा और एस्टिमेट एक बार बनने के बाद उसको बदला नहीं जा सकेगा, ना ही उसमें कोई ऐसे चेंजेस किए जा सकेंगे जिससे कि सरकारी पैसे का बंदरबांट हो सके। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर नजर रखेगा ताकि एस्टिमेट बनने के बाद उसका बाकी के जो दूसरे राज्य हैं उनके एस्टिमेट से उसका मिलान भी होगा और कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर ढंग से पारदर्शी तरीके से देखा जा सकेगा। यही उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार कहीं भी ना हो और बिना भ्रष्टाचार के चीजों को आगे बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं तेजी के साथ काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा निर्माण पारदर्शिता के साथ किए जाए। उस दिशा में एक और बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग उठाने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर हाइड्रोजन फ्यूल से रोशन होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रोशन करने के लिए शोध कार्य जारी है। हाइड्रोजन ईंधन से बिजली उत्पादन किया जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बिजली उत्पादन होगा। मंदिर में निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए शोध किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विभाग के अब तक किए गए कार्यों और आगे की योजनाओं के बारे में वो जानकारी भी देंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो योजनाओं को लेकर जानकारी देंगे। विभाग के अब तक के किए गए कार्यों और आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे डिप्टी सीएम। तो वही फतेहपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल के वार्ड में पहुंचकर मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अस्पताल की जमीनी हकीकत जानी। मंत्री से मरीजों ने बाहर से दवा लेने की शिकायत की जो कि काफी महंगी होती है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सीएमओ और सीएमएस को बुलाकर जमकर फटकार भी सुनाई और इस पूरे मामले की शिकायत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से करने की बात कही। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। दो हजार बाईस का चुनाव चल रहा है, उसके कारण मुझे शिकायतें तो मिल रही थी लेकिन सूचना के कारण मैं ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकती थी। उसके सूचना हटने के बाद मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी। ये बहुत दुखद है, जहाँ सरकार गरीबों के लिए पीड़ितों के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है वहाँ यहाँ कुछ लोग अस्पताल में इस तरह की हरकतें करें। जो गरीब यदि उसके पास पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में क्यों आता है? सरकारी अस्पताल में गरीबी इसीलिए आता है कि मेरा वहाँ फ्री इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो दवाइयाँ आई इंजेक्शन सात साल के। अभी एक महिला मिली जो 900 का इंजेक्शन बाहर से लेकर के आई है। प्रदेश की सफाई को लेकर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने निर्देश दिए हैं। सभी शहरों के व्यावसायिक स्थल और मुख्य बाजारों में टाइम से सफाई होगी, दो टाइम सफाई होगी, सुबह शाम दोनों टाइम सफाई की जाएगी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो एके शर्मा भी पूरे फॉर्म में है और सुबह शाम दोनों टाइम की सफाई होनी चाहिए, ये भी आदेश दे दिया गया है। जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां पर भी दो टाइम सफाई होनी चाहिए। तो सुबह शाम दोनों टाइम सफाई की जाएगी। मदरसों को अब आधुनिक
और स्मार्ट बनाया जाएगा। मदरसा छात्रों को मिलेगा करियर काउंसलिंग का लाभ। मदरसा बोर्ड जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजेगा, यानी कि मदरसे में जितने भी बच्चे हैं अब उन्हें स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी, उन्हें आधुनिक और तकनीकी चीजों से जोड़ा जाएगा। मदरसा छात्रों को करियर काउंसलिंग मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा इस चीज का। मदरसा बोर्ड जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजेगा।